स्टूडेंट्स, अब हम आज साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 17 पर है बेटा. ओके, यहाँ तक का, इससे पहले तक का पोर्शन हमने कर लिया था. पेज 17 में जो हमने बात करनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, देखो इंटेलिजेंस भी इसका मतलब एक टाइप नहीं हुआ ना, हम पढ़ भी चुके हैं. कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू ब्रेन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू फीलिंग्स. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट. लेट्स अंडरस्टैंड पेज नंबर 17. टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे पास है. लेट्स स्टार्ट. द नोशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल डोमेन. मतलब हम इंटेलेक्चुअल डोमेन से थोड़ा बियॉन्ड जा रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया. एंड कंसिडर्स दैट इंटेलिजेंस इंक्लूड्स इमोशंस. यू मे नोट दैट इट बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन. और ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ही हम बात करेंगे. पहले मीनिंग को अंडरलाइन कीजिए. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रेजल. क्या क्या चीजें हो गई? एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस. सो हम किसकी बात करें बेटा? हमारी जो ये जो है, देयर आर सर्टेन स्किल्स व्हिच आर रिलेटेड टू हाउ डू वी बैलेंस आवर इमोशंस, हाउ डू वी टैकल आवर इमोशंस. इसके लिए भी डू यू थिंक हमें स्किल्स चाहिए? यस. हम बहुत सारे, कुछ लोगों को ना हम इमोशनल फूल का नाम दे देते हैं. हम क्यों कहते हैं उन्हें इमोशनल फूल? बिकॉज दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस एंड यू कैन से कंट्रोल देयर इमोशंस, है ना. सो उन्हें हम टर्म बना दी हमने जी इमोशनल फूल, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. इज इट क्लियर? वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टर्म इन द पेपर, बट जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. तो हमने मीनिंग में क्या लिखा? ये सेट ऑफ स्किल्स हैं, एक नहीं बहुत ज्यादा. आपको इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन स्किल्स जिसमें आप एक्यूरेट अप्रेजल कैसे लगाते हो इमोशंस का, आप समझते कैसे हो, एक्सप्रेस कैसे करते हो, उन्हें रेगुलेट कैसे करते हो, इन सब के बारे में है. देन इट इज द फीलिंग ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, इट इज द फीलिंग ऑफ, फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, सो इतना तक काफी है, आगे चलते हैं. अ गुड आईक्यू एंड स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड्स इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. यू मे फाइंड मेनी पीपल हु आर एकेडमिकली टैलेंटेड बट आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ. They experience problems in family, workplace, interpersonal relationships. What do they lack? देखो बहुत बार हमने देखे बहुत intelligent लोग होते हैं bosses. मैंने अपना experience बताती हूँ. When I was in corporate, I was working. तो हमें भी ऐसे we used to meet such kind of people जो कि they lose their temper very frequently and very easily. मतलब एक छोटी सी चीज उन्हें बैलेंस नहीं कर पाती. जिस पोजीशन पर वो आ जाते हैं, ये जो टॉप पोजीशंस होती है बेटा, ये सिर्फ पढ़ाई से, डिग्री से नहीं मिलती, एक्सपीरियंस से मिलती है. आपको पीआर से मिलती, पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिलेशनशिप से मिलती है. लोगों के साथ आपके रिलेशंस कैसे ठीक होंगे? जब आप लोगों के साथ ठीक होंगे, इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद देम, यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स. एम्पैथी वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, बट डू वी प्रैक्टिस दैट? पीपल हु प्रैक्टिस, they are called emotionally intelligent. So, अब हमें ये सोचना है, क्या academically strong होना या बहुत बड़ी-बड़ी degrees होना, क्या ये success determine करता है? नहीं. So, the question is no, because you need to understand the emotions of your own emotions as well as at the same time the emotions of those people who are dealing with you. It could be at home also. घर में भी अगर आप देखें, कोई नया मेंबर आया आफ्टर मैरिज, जैसे किसी बच्ची ने दूसरे घर में एंटर किया, अब वो बच्ची में इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर एट अ न्यू प्लेस, यू आर अमंग न्यू पीपल. सो यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू मेक्स योर स्पेस इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, है ना. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक्ट. सिमिलरली इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज द सेम वे फॉर बॉयज ऑल्सो. बॉयज ने भी एक बच्चे को अडॉप्ट, घर में एक लड़की को लाए हैं, एक नया मेंबर लाए हैं, उनकी फैमिली में भी इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो थिंग्स आर बेटर. इफ दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, व्हाट विल हैपन? द प्रॉब्लम्स विल अकर. सेम थिंग हैपन्स फैमिली में भी होती है, ऑफिसेज में भी हो सकता है, बिजनेसेस में भी होता है. अगर बिजनेस चला रहे हो, मैं बिजनेस चला रही हूँ, इफ आई एम वेरी एरोगेंट
और मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो मेरी मार्केट रेपुटेशन कैसी होगी बेटा? वैसी ही होगी, लोग बताएंगे तो विल आई बी कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट, विल आई बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ? नहीं. हम सक्सेस को सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं, मे बी समटाइम्स वी अटैच इट विद द नॉन मटीरियलिस्टिक आइटम्स ऑल्सो, एंड वन ऑफ दोज इज इमोशंस. ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो वो कहते हैं कि उनमें क्या लैक कर रहा है. सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सोर्स ऑफ देयर डिफिकल्टी मे बी अ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस कॉन्सेप्ट मे फर्स्ट, ये स्टार बना लीजिए. सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? सैलोवे एंड मेयर, हु कंसिडर्ड, अंडरलाइन कीजिए, इसका मीनिंग आ सकता है. उसने क्या बताया? उसने बोला द एबिलिटी टू मॉनिटर वन्स ओन एंड अदर्स इमोशंस. मैंने बोला था ना, आपको पहले तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल आना चाहिए, फिर सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको दूसरों के भी इमोशंस को समझना होगा. So one's own and others' emotions to discriminate among them. यहाँ discrimination से मतलब क्या है? Differentiate among them. If I'm a calm person, the other one is in anger, I should be able to differentiate that I need to be more calm in this situation, so that if I will also be hyper, the other person is also hyper, this will lead to a fight. Which is not a good thing. तो मुझे अपने emotions के साथ पहले discriminate करना, मैं कैसे हूँ, ये कैसे हैं, इनके emotions इस time पर क्या हैं, उनके हिसाब से decision लेना ही intelligence होता है. Alright, then discriminate and use the information to guide. अब वो information मैंने mind में ले ली, discriminate कर दिया, भैया ये बड़ा गुस्से में है. जब कोई दूसरा बंदा गुस्से में होता है तो क्या हमें भी, मुझे भी उसी तरह से react करना है? अगर मैं भी वैसे रिएक्ट करूं, दैट दोज थिंग्स विल लीड टू वॉर, और वॉर कंट्रीज के बीच में, और झगड़े लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में. और अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंट होकर मैंने इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को पास की, थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं, जब ये शांत हो जाएगा तो ये समझ जाएगा. अभी तो वैसे भी जब हम गुस्से में होते हैं आप कुछ समझा नहीं सकते. सो इस तरह से यूर गाइडिंग योर ओन थिंकिंग एंड योर एक्शंस. जब आपने अपने ब्रेन को ये बोल दिया यार तू चुप रह, तूने नहीं बोलना, तो मेरे एक्शंस कैसे होंगे? आई विल बी क्वाइट. ओके, देन आगे इसको पूरी लाइन को हमने लर्न करना था. इमोशनल कोशेंट वर्ड आया फिर, जैसे इंटेलिजेंट में होता ना आईक्यू, वैसे ही ईक्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस इन द सेम वे एज आईक्यू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेलिजेंस. इन सिंपल वर्ड टर्म्स, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू the ability to process emotional intelligence, emotional information. ability honi chahiye hame pata ho ki humne apni emotional information ko kaise accurately aur efficiently kya karna hai, process karna hai. so here comes my intelligence. okay, yahan tak ho gaya. iske baad likha ji, to know the characteristics of a person who are high on EI, emotional intelligence, read box 1.2. This you have to learn also. So I'll go directly to 1.2 box, which is below, and it is on the same page, number 17. Characteristics of emotionally intelligent person. वो कैसे होंगे? उनके features क्या होंगे? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक question लिखिए. Who is an emotionally intelligent person? Who is an emotionally intelligent person? तो आपसे अगर ये पेपर में आए पर्सन, तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देने होंगे. तो ये पेपर में टेस्ट हो सकता है. क्या क्या होने चाहिए भैया उसमें? परसीव एंड बी सेंसिटिव. पहले तो परसेप्शन लगाना, परसीव करना, समझना, और बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशन. पहली चीज तो आती है आप अपने बारे में पहले जानो, दूसरों को तो छोड़ दो. हम बोलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में. नो, यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ, योर ओन इमोशंस फर्स्ट. Second, perceive and be sensitive to various types of emotions in others. That comes secondary. Others by noting their body language. हमें पता चल जाता है ना, जब हम घर में आते हैं, supposedly हम घर में आए शाम को, अभी तो आजकल तो घर में ही है, लेकिन जब हम बाहर से, काम से, स्कूल से वापस घर आते हैं, घर में थोड़ी शांति शांति ज्यादा देख के हमें आइडिया हो जाता है कुछ हुआ है. तो फिर हम क्या करते हैं, पूछते भी है घर में कि मम्मा से या ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट से, आज कुछ हुआ था घर में, इतनी शांति क्यों है भाई. सो इट मींस वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट, वी कुड सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग हैपेंड हियर, और मे बी विद द बॉडी लैंग्वेज, कोई बर्तन पटका रहा है, कोई गुस्से में दिख रहा है,
चाय रखी, मम्मा ने इतनी जोर से बर्तन रखा, सो वी आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. उस टाइम हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं बेटा. तो इस टाइम हमने जज कर लिया दैट समथिंग वेंट रॉन्ग हियर सम टाइम अगो. सो नोशंस विद देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन. अब आपके आपने अपने फादर से पूछा, पापा मैं मूवी देखा हूँ, बैठे रहो चुपचाप. अब क्या परमिशन मिली है या बैठना है? नहीं मिली. सो उनकी वॉइस टोन से हमें आइडिया हो जाता है. एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू, आंखें बड़ी करके बोलना, गुस्से में दिखना, आंखें लाल, मुंह लाल, पता चल जाएगा. रिलेट, थर्ड वन, रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. मैंने बोला था हम दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप जोर जोर से बोल रहे हैं, अब मैं सुन रही हूँ बिकॉज यू आर शाउटिंग एट मी. नाउ आई पास ऑन, मैंने परसीव किया अपने इमोशंस को, गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे अंदर से, और मैं दो थप्पड़ लगाती हूँ इसको भी, मुझे भी गुस्सा आएगा है ना, बिकॉज द अदर पर्सन इज शाउटिंग एट मी. मे बी जरूरत है नहीं है ये नहीं पता, ये तो उस टाइम एनालिसिस लगाए नहीं जा सकते, हमें भी पलट के बोलने का आता है. अब मैंने क्या किया, मैंने परसीव किए अपने इमोशंस, मैंने परसीव किए सामने वाले के इमोशंस, फिर मैंने अपने ब्रेन को क्या, अब मेरे थॉट्स काम आएंगे, मेरे राइट थॉट्स एट राइट टाइम विल ओनली वर्क इन द होल लाइफ. अब मेरा राइट थॉट क्या था कि मुझे नहीं भाई, मैंने नहीं अपने टेम्पर को लूज करना, इसने तो बोला, इस टाइम इसको समझाया भी नहीं जा सकता, मैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन दूंगी भी तो इसको समझ ही नहीं आएगी, सो देयर इज नो नीड टू टॉक विद दिस पर्सन. तो मैंने क्या किया, आई प्रेफर टू बी क्वाइट, टू बी मॉम. सो मैंने ये प्रेफर किया, तो मैंने अपने इमोशंस को वैसा किया, मैंने अपने थॉट्स ऐसे जनरेट किए, जब मैंने अपने ब्रेन को मैसेज दिया मैंने नहीं बोलना, तो मैंने फिर एक्शन कैसा किया, नहीं बोले. क्लियर? ऐसे स्टोरी से याद रखोगे तो स्टेजेस याद रहेगी. आगे चलते हैं. देन अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस. इंटेंसिटी, जब मैंने डिसाइड कर लिया आई एम गोइंग टू बी काम, सो इंटेंसिटी मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग. अब इंटेंसिटी इज ऑन द हायर साइड. इंटेंसिटी हम समझते हैं ना बेटा, डिग्रीज, कितनी डिग्री तक. अब यहां भी हम लूज कर जाते हैं, हम बड़ी बार सोचते हैं हम नहीं बोलेंगे है ना, लेकिन होता क्या है, अगला बंदा बोले ही जा रहा है, फिर आपको लगता है बहुत हो गया यार, अब तेरे को मैं बताती हूँ. अब मैंने फिर क्या किया, मेरी इंटेंसिटी वॉज लो, दैट इज वाई आई कुड नॉट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ. मैंने जो अपने ब्रेन को थोड़ी देर पहले मैसेज दिया वो बड़ा फर्म नहीं था, बीच में फ्लिकर हो गया. अगर मैंने फॉर्मली दिया होता मैंने नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई टेम्पर. देखो मेरा स्ट्रेस कितना है, मेरी इंटेंसिटी इज वेरी हाई. मैंने ना जब देखती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं पर देखती हूँ. अब ये मैंने क्या किया, अपने आपको एक ऑप्शन दिया कि इट्स ओके, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं इसको देख लूंगी. क्लियर? सो डिग्री. देन कम्स कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस. कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मनी एंड पीस. अब मैंने मेरे एक्सप्रेशन कैसे हो गए, मैं उसको बोला यू प्लीज काम डाउन, रादर देन से चिल्ला क्यों रहे हो है ना. सो आई कैन से यू प्लीज काम डाउन, वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस. सो अब मेरी फीलिंग्स कंट्रोल में है, मेरी सारी बातें, मेरे अपने इमोशंस कंट्रोल में है, सो आई विल बी एबल टू कंट्रोल दी सिचुएशन ऑल्सो. आई एम श्योर इट इज क्लियर. अब हम वापस चलते हैं जो पैराग्राफ रह गया था. सो स्पेशल एबिलिटीज से ऊपर वाला, इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर डीलिंग विद स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय स्ट्रेसेस एंड चैलेंजेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. तो ज्यादातर हम इन्हें स्टूडेंट्स, क्योंकि वी रियली फाइंड दैट दे आर अंडर स्ट्रेस, उनके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर स्ट्रेस, आगे क्या बनना है, क्या चूज करना है, बड़ी तरह के स्ट्रेस होते हैं. सो उनसे डील करने के लिए भी हम इनको टीच कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, उन्हें ट्रेन कर सकते हैं. प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स. तो जो बच्चे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे हो सकता है बताऊं आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी होता है इमोशंस पे काबू रखना. आजकल ऑलमोस्ट छुट्टियों का माहौल है ना, तो चाहे पेरेंट्स पैनिक हैं, बड़े लोग पैनिक हैं, हम तो फन है भाई, अपना इंटरनेट चला रखा है हमने और अपना आराम से मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं. आर वी इमोशनली इंटेलिजेंट? आई डोंट थिंक सो. If we are not able to understand the situation, हम अगर ये assume नहीं कर पा रहे कि अगर ये इस time पर school days होते तो school अभी syllabus पूरी तरह से भगा रहा होता, क्योंकि we are in plus two. तो I don't call those students as emotionally intelligent.
जिन्हें बोलना पड़े बार बार, बेटे आपकी छुट्टियां नहीं है, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम अंदर है. तो यू शुड डू मोर वर्क रादर देन सिटिंग लाइक दिस वेस्टिंग योर टाइम. ओके, देन मूविंग फर्दर, दे एनकरेज कोऑपरेटिव. आई थिंक आई एम हियर ओनली. हाँ, प्रोग्राम्स, यस, दे एनकरेज कोऑपरेटिव बिहेवियर, रिड्यूस देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको कम करने के लिए भी हम उन्हें ये चेंजेस ला सकते हैं. दीज प्रोग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम. बेटे क्लास, ये जो स्ट्रगल है ना, जो आप लोगों को लगती है कि अभी है, ये स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, असली स्ट्रगल इज येट टू कम, है ना. एंड वी आर नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट डीमोरलाइजिंग यू, वी आर एंजॉइंग दैट स्ट्रगल. क्यों? बिकॉज वी आर इनटू दैट वर्क जिसको हम अपना पैशन कहते हैं, हम एंजॉय करते हैं. Will you be able to reach that? You need to think about it. Okay? So that is the preparing the students for life challenges is very, very important. Then comes the special abilities. That this topic is although not very small, but I'll try to cover because the limit of the video is less. Let's start it. Special abilities, aptitude, nature and measurement. Okay? I'll forward this one in the next video. Okay, so consider this one in the next video. Okay, thank you.